बंगाल के राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी का 23 जुलाई को कार्यकाल पूरा हुआ। गत मंगलवार को राजभवन में आयोजित एक कवि सम्मेलन में उन्होंने कहा कि वे भगवान से प्रार्थना करेंगे कि बंगाल में शांति रहे, यहाँ के लोग सुखी से रहे। राज्यपाल ने कहा कि इन 5 सालों में उनका बंगाल के साथ खट्टा और मीठा दोनों प्रकार का अनुभव रहा। कविता समाज को संदेश देती है, कविता मन को सुकून देती है, कविता समाज को दिशा देने खाती है, और इसलिए जो काव्य प्रेमी हैं वो बड़ी संख्या में कवि सम्मेलनों में आते हैं, उसका आनंद भी लेते हैं और कुछ सीख करके जाते हैं। आज 5 वर्ष मेरा कंप्लीट हुआ, आज इसमें कोई शक नहीं है, और 5 वर्ष में हमारा पश्चिम बंगाल का बहुत अच्छा अनुभव रहा, खट्टा अनुभव भी रहा, मीठा अनुभव भी रहा, दोनों प्रकार का अनुभव रहा। मैं कोलकाता वासियों नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल के वासियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं उनके लिए पूरी शुभकामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पश्चिम बंगाल में शांति रहे, पश्चिम बंगाल के लोग सुखी रहे। इस मौके पर उन्होंने अपनी कई कविताएं पढ़ी। जीवन में अगर व्यक्ति विषाद को, दुख को, वेदना को वो अपने जीवन का अंग बना ले तो जीवंतता गायब हो जाती है, और इसलिए कभी कभी जब ऐसे क्षण आते हैं कि मन उल्लास से भरता है तो मेरी कलम लिख देती है, गीत गाओ, गुनगुनाओ, मुस्कुराओ, हर नगर पर, हर सफर में, हर नगर में गीत गाओ, जिंदगी के गीत गाओ। जिंदगी जीने के लिए है, जिंदगी मरने के लिए नहीं है, संतरास हुए के लिए नहीं। घटनाएं तो आती जाती रहती होती है, जीवन घटनाओं का ही समूह है, एक प्रकार से अनुभव का समूह है जीवन, लेकिन हम जिए कैसे? हम दुख के क्षणों में भी किस प्रकार से आनंद की अनुभूति करें, ये हमको कोई और नहीं सिखाता, ये कविता सिखाती है कि सुकून की तलाश में भटका मैं दर बदर, सुकून की तलाश में भटका मैं दर बदर, किसी ने बताया नहीं वो अपने ही घर है। तो अपने भीतर सर्च करें, अपने भीतर देखें, अपने भीतर एक संतोष मिलेगा, और अगर हम प्यार बांटते हैं, स्नेह बांटते हैं, लोगों का सहयोग करते हैं तो फिर दो लाइनें और निकलती हैं उसके आगे। भूखे ने बांट दी सब अपनी रोटियां, भूखे ने बांट दी सब अपनी रोटियां, है रहम जहां नहीं दरिंदे का वो घर है, है रहम जहां नहीं दरिंदे का घर है। और हम सब एक सब दूसरे से सीखते हैं, उनके साथ मैंने चलने का तरीका सीखा, उनके साथ मैंने चलने का तरीका सीखा, उनके साथ मैंने जीने का सलीका सीखा, और तहजीब के शहर से निकल आए हैं अब हम, तहजीब के शहर से निकल आए हैं अब हम, हमने भी इनकलाब कहने का तरीका सीखा, हमने भी इनकलाब कहने का तरीका सीखा,
और फिर उसके बाद मन के अंदर क्या भावना आती है, जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। हम तो ता जिंदगी मौत से लड़ते ही रहे, हम तो ता जिंदगी मौत से लड़ते ही रहे, मौत ने भी हमसे जीने का सलीका सीखा। हम तो ता जिंदगी मौत से लड़ते ही रहे, मौत ने भी हमसे जीने का सलीका सीखा। हम आपसे सीखें, आप हमसे सीखें, जीवन का लक्ष्य समाज सुधर जाएगा, और यह समाज के सुधारने का काम करती है कविता। हम कविता के माध्यम से व्यंग्य भी परोसते हैं, कविता के माध्यम से हम संदेश भी देते हैं, और इसलिए मैं कहता हूँ कि कविता ऐसी होनी चाहिए जो समाज को कुछ संदेश दे, समाज को सही दिशा दे, समाज को भविष्य में कैसा और रूप तैयार करना चाहिए इसकी जानकारी दे।